हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज में। एक बार फिर से आज फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक और नई स्टोरी। आज की जो स्टोरी होने वाली है वो एक व्यक्ति है जिनका नाम है महेंद्र, उनके बारे में ये स्टोरी होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाँव से रिलेटेड स्टोरी है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना, अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो कहानी होने वाली है, ये कहानी होने वाली है एक महेंद्र चाचा थे उनके बारे में। ये कहानी होने वाली है, उनके खेतों में ना आजकल काम चल रहा था, तो वो अपने घर पे नहीं सो रहे थे, खेतों में ही सो रहे थे। और उनका खेत जो था वो एक तालाब के बराबर में था, और बारिश भी अभी पड़ी ही थी, तो वो तालाब जो है वह भर चुका था। उनके खेत के अंदर भी काफी बड़ी बड़ी घास खड़ी हो गई थी, जिसकी वजह से रात के टाइम पे वो नजारा काफी भयानक सा लगने लग जाता था। और तालाब के आसपास जो है वो मतलब किनारे पर तालाब के 6-7 आम के पेड़ भी खड़े हुए थे। उन आम के पेड़ों पे जब हवा लगती थी ना, जैसे हवा चल रही है और हवा लगती है, तो उनकी टहनियां जब आपस में टकराती थी तो भी काफी डरावनी आवाज सी आती थी। वो आराम से वहां लेटे हुए थे और उनके पास उनकी गाय भैंसें भी बंधी हुई थी। और जब अचानक से क्या होता है, गाय भैंसें जो है चिल्लाना शुरू कर देती हैं। अब उनको आवाज आ जाती है महेंद्र जी को, और महेंद्र चाचा को ऐसा लगता है कि शायद गाय भैंसों को जो है ठंड लग रही है, इस वजह से वो इस प्रकार की आवाज कर रहे हैं। तो चाचा जी क्या करते हैं, अपनी खाट पे से उठ के वहां पे आग जला लेते हैं थोड़ी सी। अब जब वो आग जला लेते हैं, आग जला के हल्का हल्का अपना भी हाथ तापने लगते हैं वो, तो हाथ तापते तापते उनकी नजर जो है उनकी खाट की तरफ जाती है जिसपे वो सो रहे थे। देखते हैं कि उस खाट के ऊपर एक औरत बैठी हुई है, काफी भयानक सी। उसे देख के उन्हें थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन जब उन्हें थोड़ा सा डर लगता है ना, तो वो अपने डर को अंदर ही कंट्रोल करते हैं और क्या करते हैं, आग के अंदर थोड़ी सी और सूखी हुई घास डालते हैं ताकि आग तेज हो जाए और उस भूतनी का जो भी वो औरत है उसकी शक्ल उन्हें साफ दिख पाए। जैसे ही वो और उसमें डालते हैं ना, तो उसमें साफ शक्ल उन्हें दिखाई देती है। उसकी आंखें रेड रेड और कटाफटा सा मुंह, अजीब सा मुंह, बहुत ज्यादा जैसे सड़ जाता है ना, उस टाइप से कुछ मुंह था उनका, और देखने में काफी डर लग रहा था। वैसे तो महेंद्र चाचा काफी ज्यादा बहादुर थे, लेकिन उन्हें देख के काफी ज्यादा डर लग रहा था उन्हें पहली बार। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उनको क्या करना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, एक बार पूछते हैं कि कौन है तू, तो उधर की साइड से जो है ना कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है। तो उन्हें लगता है कि सिर्फ आवाज मारने से तो कुछ नहीं होगा ना, यहाँ बैठे रहने से, मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। काफी सारी हिम्मत बटोर कर वो क्या करते हैं, खड़े हो जाते हैं। अब खड़े होने के बाद वो वहां से एक डंडा उठा लेते हैं। डंडा उठा के उस औरत के पास जाते हैं और बोलते हैं, कौन है तू, चली जा यहां से। तो वो औरत रेस्पॉन्स में बोलती है, तू मुझसे डरता नहीं है क्या, मुझे भगाएगा तू, वो भी मेरे ही घर से, तो मुझे मेरे घर से भगाना चाहता है। अब महेंद्र चाचा जो है वो थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं कि ये खेत तो मेरा है, ये मेरे खेत को अपना घर क्यों कह रही है, क्या मैं इसे जानता हूं, क्या ये मेरे कोई जान पहचान वाली है, अगर जान पहचान वाली है तो इसका मुंह इतना भयानक और इतना खतरनाक कैसे है, मतलब अगर मैं इसको जानता हूं तो मुझे तो पता होना चाहिए ना कौन है ये। तो वो काफी सोचते हैं कि यार ये कौन है कौन है। तो उनको एकदम से दिमाग में आता है श्रुति, तो वो ये कहती है हाँ। अब वो समझ जाते हैं कि श्रुति, अब आपको बता देता हूं श्रुति कौन थी। श्रुति जो है उनकी बड़ी बहन थी। बचपन की बात है, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं, बचपन की बात है। श्रुति अपने दोस्तों के साथ ना इसी खेत पर खेलने आया करती थी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आम के पेड़ खड़े हुए हैं यहाँ, उन्हीं आम के पेड़ों पर ये बच्चे चढ़ के जो है इधर से उधर कूदा करते थे और खेला करते थे। तो आम के पेड़ पर श्रुति बैठी हुई थी जिस डाल पे, वो डाल टूट गई अचानक से, और श्रुति जो है ऊपर से नीचे गिर रही थी मुंह के बल। अब जब वो मुंह के बल नीचे गिरी तो उसको काफी गंभीर चोटें आई थी, लेकिन जल्दी जल्दी में ना उसको अस्पताल लेके जाया गया था। अस्पताल लेके जाया गया था तो वहां जाके लेकिन काफी देर हो चुकी थी और श्रुति की मौत हो गई थी। और मौत होने के कारण बड़े फिर क्या होता है, ये लोगों ने डिसाइड किया था कि यार वो बच्ची है, छोटी है, तो उसको जो है दफना दिया जाए। लेकिन वो इतनी छोटी नहीं थी कि उसको दफनाया जाए, उसका अंतिम संस्कार होना चाहिए था, दफना दिया जाता है, लेकिन उसे तब से ही उसकी आत्मा भटक रही थी, लेकिन ये बात किसी को भी नहीं पता थी। अब होता क्या है,
ये जब वो कहती है ना कि मुझे मेरे खेत से भगाना चाहता है, तो वो समझ जाता है कि ये श्रुति है। उसके बाद क्या होती है, वो वहां से चली जाती है थोड़ी देर के लिए, और महेंद्र चाचा सो जाते हैं। सोने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने गांव में जाते हैं, क्योंकि खेत पे सो रहे थे, वो गांव में जाते हैं, लोगों से इस बारे में बात करते हैं, क्योंकि तब तो वो भी काफी छोटे थे ना, तो उन्हें भी नहीं पता कि कैसे कैसे क्या होना चाहिए था। तो एक बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने ये बोला कि आपकी बहन का जो है अंतिम संस्कार होना चाहिए था, लेकिन उसको दफना दिया गया, इसी वजह से उसकी आत्मा भटक रही है। और होता क्या है, फिर रात को उन्हीं बड़े बुजुर्ग के साथ वो उधर की तरफ जाता है, खेत की तरफ वापस, तो श्रुति उन्हें दोबारा मिलती है। श्रुति कहती है कि हाँ, मैं आपके गांव की ही बेटी हूँ, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी काका, आप परेशान ना हो, मेरी आत्मा सही में तब से भटक रही है और मुझे मुक्ति चाहिए। तो वो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं, बेटा परेशान मत हो, आप हमारी बेटी जैसी हो तो आपको मुक्ति दिलाई जाएगी। तो महेंद्र चाचा बिना कुछ सोचे, बिना डरे, उसकी जहां पर उसको दफनाया गया था ना, उसी खेत में, वहां से उसकी लाश निकाल लेते हैं, ये जो भी उसके अवशेष बचे हुए होते हैं वो निकाल लेते हैं, और उसको अंतिम संस्कार उनके अवशेषों का कर दिया जाता है, पंडित को बुलाकर उसी तरीके से पूरे रीति रिवाज के साथ। और जब ऐसा हो जाता है, उसके बाद जो श्रुति की आत्मा वहां होती है, वो धीरे धीरे आंखों के सामने से ओझल होनी शुरू हो जाती है। और ओझल होने के बाद, वैसे तो वो पहले भी किसी को नहीं परेशान करती थी, लेकिन ओझल होने के बाद उसको भी मुक्ति मिल जाती है, वो भी सुकून से अपनी आगे की लाइफ ऊपर बिता पाती है, और बाकी लोगों को भी खुशी रहती है कि श्रुति की आत्मा को शांति मिल गई, अब वो भटकेगी नहीं, अब वो जहां भी है बेटर प्लेस में है। एक यही थी एक छोटी सी कहानी महेंद्र चाचा की बहन के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना, अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और अगर आपने मेरा दूसरा वाला चैनल अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाएं, वीडियो को चेकआउट करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, और वहां पे भी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा यार। मैं मिलूंगा इससे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप कोई कहानी शेयर करना चाहते हैं, जीमेल या इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहे, खुश रहे, मस्त रहे, और अपने भाई की वीडियो देखते रहे। बाय बाय।